एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। इधर पीएम लेंगे शपथ, उधर ममता बैठेंगी रने पर। पश्चिम बंगाल को लेकर चल रही सियासी लड़ाई अब अगले स्तर पर जाने की तैयार है। पहले प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने जा रही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने बुधवार को यह घोषणा की कि वो अब इस समारोह में सम्मानित नहीं होगी। इसके बाद उन्होंने घोषणा की कि 30 मई को नरेंद्र मोदी दिल्ली में शपथ लेंगे। उसी दिन वे 24 परगना में नेहाटी नगर पालिका के सामने धरने पर बैठेंगी। बताया जा रहा है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हिंसा के चलते हो रहे अत्याचार के विरोध में ममता धरने पर बैठने जा रही है। गौरतलब है कि नेहाटी नगर पालिका के पार्षद भी मंगलवार को टीएमसी का दामन छोड़ बीजेपी में आ गए हैं। लोकसभा चुनाव परिणाम में टीएमसी का प्रदर्शन भले ही खराब हुआ हो, लेकिन ममता बनर्जी विरोध को लेकर चुप बैठती नहीं दिख रही है। वे अब अपने ही राज्य में टीएमसी कार्यकर्ताओं के हिंसा के चलते बेघर होने व अन्य अत्याचारों की बात कर यह धरना करने जा रही है। माना जा रहा है कि इसका मकसद लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद लोगों की संवेदना बटोरना है। छन्नूलाल मिश्र ने श्रीराम से की पीएम मोदी की तुलना। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुरुवार यानी 30 मई को शपथ ग्रहण करेंगे। बड़े बड़े नेता दूसरे देश के पीएम भी मोदी जी को इस शुभ अवसर पर बधाइयां दे रहे हैं। क्षत्रिय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र ने भी पीएम मोदी को बधाइयां गाते हुए शुभकामना दी। इतना ही नहीं, उन्होंने पीएम मोदी के लिए एक प्यारा सा गीत भी गाया। हिंदुस्तानी क्षत्रिय संगीत के पुरोधा और पद्म भूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र ने पीएम मोदी के लिए बधाइयां गाई। पंडित छन्नूलाल मिश्र ठुमरी के प्रतिष्ठित गायक है। बधाई गीत गाते हुए उन्होंने पीएम मोदी की तुलना भगवान श्री राम से की और कहा कि भगवान श्री राम ने जिस तरह दुष्टों को नाश किया था, उसी तरह भगवान ने पीएम मोदी को दुष्टों का दमन करने के लिए पैदा किया है। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हो पाएंगे मिजोरम के मुख्यमंत्री जोराम थांगा। लोकसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, लेकिन ऐसे भी है जो इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं होंगे। जानकारी के मुताबिक मिजोरम के मुख्यमंत्री जोराम थांगा अपने आधिकारिक कार्यक्रमों को लेकर अत्यंत व्यवस्था के कारण इस समारोह में शामिल नहीं हो पाएंगे। यह जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी ने दी है। मुख्यमंत्री के निजी सचिव लालमान सांगा ने कहा कि जोराम थांगा, जो सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट से अध्यक्ष भी है, अत्यंत आधिकारिक व्यवस्था के कारण शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित नहीं हो पाएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से राज्य के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री लाल रुवत किमा, निर्वाचित सांसद सी लाल रोहन सांगा और दो बार लोकसभा सदस्य रह चुके मनलाल जाओमा समारोह में शामिल होंगे। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।